नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो चर्चा करते हैं वो है हमारा मौर्य काल और मौर्य काल का उत्तरार्ध का समय। इससे पहले वाली कक्षा में हमने जो मौर्य काल भाग एक देखा था उसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पुत्र बिंदुसार के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। अब जो आज हम करने जा रहे हैं वो है अशोक के बारे में, सम्राट अशोक, अशोक महान, जिनको जिनके बारे में उनकी राजनीतिक उपलब्धियां, उनके जीवन और क्या क्या उनके कार्य थे। तो सम्राट जो हमारा अध्ययन बिंदु है वो है अशोक। अशोक का जो समय माना जाता है, सम्राट अशोक का जो शासन का समय माना जाता है वो है 273 ईसा पूर्व से। कब से? 273 ईसा पूर्व से लेकर 237 ईसा पूर्व का, यानी लगभग 37 साल राज किया सम्राट अशोक ने। और इन 37 सालों में जो उसकी उपलब्धियां थी, राजनीतिक उपलब्धियों में केवल एक कलिंग विजय मात्र है, बाकी उसकी धर्म जन कल्याण के कार्यों के कारण उसको जाना जाता है। सम्राट अशोक जो है ये शासक बनने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। क्या होता है, मैंने कल बताया था कि बिंदुसार का जो अंतिम समय था, बिंदुसार ने अंतिम समय में बिंदुसार के जो पुत्र थे, 100 पुत्र कहे जाते हैं बिंदुसार के, तो उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा सुसीम था। कौन था? सुसीम। जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई या बीमार था, उस समय सुसीम जो था वो यहां पर भारत के बाहर कहां पर, तक्षशिला में, कहां गया हुआ था, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को दबाने सुसीम गया हुआ था और उसी समय जो सम्राट बाद में सम्राट बनता है अशोक, वो यहां पर मालवा के आसपास उज्जैनी का, कहां का, उज्जैनी का क्या था, वायसराय, गवर्नर कह सकते हैं, उज्जैनी का वायसराय था। तो जैसे ही खबर पहुंचती है सुसीम और अशोक के पास में, दोनों रवाना होते हैं। यहां पहुंचते हैं तब तक बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी होती है। अशोक को जो समय बहुत कम लगा, अशोक पहुंचता है, दरबारियों को अपने पक्ष में करता है और राजपद या राजा बन जाता है। कौन? अशोक। सुसीम बाद में पहुंचता है, किंतु यहां शासक कौन बन चुका है, हमारा सम्राट अशोक। तो ऐसी कंडीशन में सम्राट अशोक को राज शासक तो बन चुका है, किंतु उसको संघर्ष करना पड़ता है अपने भाइयों से। कहते हैं बिंदुसार के 100 पुत्र थे, कितने थे, 100, और 100 में सबसे बड़ा कौन था, सुसीम, और उसके बाद जो है वो है अशोक। अब वास्तविक जो उत्तराधिकारी है वो तो है सुसीम। कौन है? सुसीम। किंतु यहां पर जो अशोक है वो पहले पहुंचकर शासन ग्रहण कर लेता है, तो अब आपस में इन दोनों में टकराव की कंडीशन होगी। और यही नहीं, इसके जो अन्य 100 भाई हैं वो भी अशोक से युद्ध करेंगे या संघर्ष करेंगे। तो अशोक का जो ये समय था, जो मृत्यु हुई वो हुई, जो बिंदुसार की मृत्यु हुई वो हुई 273 में, और अशोक का जो राज्यारोहण होता है वो होता है 269 ईसा पूर्व में। कब होता है? 269 ईसा पूर्व में। क्यों? क्योंकि इन 4 सालों में, कितने साल, 73 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व, 4 सालों में अशोक को अपने इन भाइयों से संघर्ष करना पड़ा, जो भी बीच में आया, या तो, और अशोक ने सभी को नहीं मारा, जो बीच में आया उन्हीं को इसने मारा, क्योंकि बाद में कुछ अभिलेखों में अशोक के भाइयों के परिवारजनों के नाम मिलते हैं जिनसे अनुमान लगाया जाता है कि सभी के प्रति अशोक इतना क्रूर नहीं था। किंतु अशोक की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाते हैं क्योंकि बाद में जो बौद्ध ग्रंथ है, हालांकि अशोक बौद्ध धर्म का उपासक था, किंतु बाद की जो बौद्ध ग्रंथ है वो बौद्ध ग्रंथ भी अशोक को चंड अशोक कहते हैं। क्या कहते हैं? चंड अशोक। बौद्ध ग्रंथों में अशोक का ये नाम भी मिलता है। अब हम बात करते हैं, ये तो था अशोक का राज्यारोहण या शासन की स्थिति। इसके बाद जो इसके साम्राज्य में या इसके समय में जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सम्राट अशोक के बारे में जो पहले हम बात करते हैं वो है इसकी मां का नाम या माता का नाम। सम्राट अशोक की जो माता है वो उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में उसको अलग नाम दिया गया है। उत्तरी भारत में जो ग्रंथ है उनमें उसका नाम मिलता है शुभ्रांगी, यानी बिंदुसार की पत्नी, क्या नाम था, शुभ्रांगी। और दक्षिणी भारत के जो ग्रंथ है उसमें उसका नाम मिलता है धर्मा, क्या नाम मिलता है, धर्मा। एक ही थी, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान के अनुसार उसकी मां का नाम धर्मा था जो दक्षिणी भारत में प्रचलित था,
और सुभद्रांगी जिसका वास्तविक नाम था। इसके अलावा अशोक की विवाह या पत्नी यो कहें, पत्नी के बारे में बात करें तो विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग इसका पत्नी का वर्णन मिलता है। तो जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है वेदिश महादेवी। क्या नाम आता है? वेदिश महादेवी, जो दक्षिणी भारत जाते समय इसने विवाह किया था। और इस वेदिश महादेवी के दो संतान हुई, यानी अशोक के दो संतान थी। नंबर एक महेंद्र, जो इसका पुत्र था, जो बाद में बोधरंग के प्रचार प्रसार के लिए जाता है। दूसरी पुत्री है संघमित्रा। अशोक के ये दो इस वेदिश महादेवी के उत्पन्न पुत्र थे। इसके अलावा इसकी अन्य जो पत्नी है वो है तिस्य रक्षिता। क्या नाम है? तिस्य रक्षिता। और अभिलेखों में जो इसकी पत्नी का नाम मिलता है, किसकी? सम्राट अशोक की, उसका नाम मिलता है कारुवा की। क्या नाम है? कारुवा की। तो यहां पत्नी की तीन नाम मिलते हैं, वेदिश महादेवी जिससे महेंद्र और संघमित्रा की उत्पत्ति होती है, तिस्य रक्षिता, और अभिलेखों में जो मिलती है उसका नाम है कारुवा की। ये तीन पत्नियों के नाम इसके मुख्यतः मिलते हैं। अब अशोक के नाम के बारे में भी कुछ चर्चाएं हैं कि अशोक का नाम कहां मिलता है, क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले नंबर एक हम बता चुके हैं, जैसे अशोक का नाम है चंड अशोक। क्या नाम है? चंड अशोक। कहां बताया था मैंने अभी? बोध ग्रंथों में। कहां पर? बोध ग्रंथों में। क्या नाम मिलता है? चंड अशोक। क्यों मिलता है? क्योंकि इसने अपने 99 भाइयों का वध किया था। जो दूसरा नाम है अशोक का, जो महत्वपूर्ण है, और यानी अशोक का नाम जो अशोक मिलता है, चार अभिलेख कौन कौन से? अशोक का जो नाम अशोक मिलता है उससे संबंधित चार अभिलेख है जो अशोक ने पूरे भारत में लगवाए थे। और उन अभिलेखों में नंबर एक मास्की या मस्की, दूसरा है गुर्जरा, तीसरा है उदयगोलम। कौन सा है? उदयगोलम। और एक अन्य है निट्टोर। इन चार अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा अशोक का नाम तीसरा जो हम बात करते हैं वो मिलता है अशोक वर्धन। क्या नाम? अशोक वर्धन। क्या नाम बताया? अशोक वर्धन। अशोक वर्धन जो अशोक का नाम मिलता है वो मिलता है पुराणों में। किसमें मिलता है? पुराण, जिनमें विष्णु पुराण है प्रमुख। तो पुराणों में अशोक का नाम क्या मिला? अशोक वर्धन। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण नाम है जिसका नाम जो कहा गया प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। क्या नाम है? प्रियदर्शी राजा। ये नाम मिलता है उसका बराबर जो पहाड़ी गुफाएं हैं वहां पर इसका नाम मिलता है प्रियदर्शी राजा, या बराबर या बराबर। वहां पर अशोक का नाम क्या मिलता है? प्रियदर्शी राजा। ये तो थे इसके प्रमुख नाम। अशोक का नाम चंड अशोक मिलता है बौद्ध ग्रंथों में। अशोक चार अभिलेख है, मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम और निट्टूर। इसके अलावा अशोक वर्धन मिलता है पुराणों में और प्रियदर्शी राजा बराबर में। अशोक ने एक उपाधि और धारण की थी देवानाम प्रिय। कौन सी है? देवानाम, देवानाम प्रिय। और पुराय से मिलता है देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा। तो इसके बाद एक और चर्चा करते हैं, अशोक के एक उत्तराधिकारी है दशरथ, उसने भी ये देवानाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी। तो ये थे अशोक के नाम के संबंध में विभिन्न मत, ये याद हमें करने ही होंगे। चंड अशोक बौद्ध ग्रंथ, अशोक मास्की गुर्जरा, उदयगोलम और नेट्टूर, अशोक वर्धन पुराणों में और प्रियदर्शी राजा बराबर की पहाड़ी गुफाओं में। राजारोहण के बारे में हम बात कर चुके हैं 269 ईसा पूर्व में। इसके बाद जो हम आगे बात करते हैं इसके बारे में वो हम लेते हैं अशोक का जो कलिंग युद्ध है। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। कलिंग वर्तमान या उस समय कहें उड़ीसा में था, और जो रोमिला थापर या अन्य जो इतिहासकार है उनका कहना है कि जो अशोक ने कलिंग युद्ध किया, एकमात्र विजय है अशोक की, एकमात्र
शासक बनने के बाद अशोक की एकमात्र विजय है वो है कलिंग युद्ध। वो कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग कहां है? मगध के नीचे की तरफ उड़ीसा में। अलग अलग मत हैं, कुछ लोगों का कहना हाथियों की प्राप्ति के लिए, कुछ ने कहा कर के लिए, तो कुछ भी हो 261 ईसा पूर्व में राज्यारोहण के 8वें वर्ष में। राज्यारोहण के कौन से वर्ष में? राज्यारोहण के 8वें वर्ष में। यह भी कई बार मिलता है। 8वें वर्ष में क्या हुआ? सम्राट अशोक मगध से जाकर कलिंग में युद्ध करता है। इस युद्ध में कहते हैं कि लगभग 100,000 लोग मारे गए। कितने? 100,000, और 150,000 बंदी बना लिए गए। 100,000 लोग युद्ध में मारे गए और 150,000 बंदी बना लिए गए इस युद्ध में। अब ध्यान रखना, इस युद्ध का जो समय है वो है 261 ईसा पूर्व है। राज्यारोहण का कौन सा वर्ष? 8वां वर्ष। कलिंग, बड़ी बात, कलिंग का उस समय शासक कौन था? कलिंग का उस समय शासक हमें जो याद रखना है वो है नंदराज। कौन है? नंदराज। कलिंग का उस समय शासक जो मिलता है वो है नंदराज। इस कलिंग युद्ध में देखो अशोक की विजय होती है, पर विजय के बाद स्वयं अशोक युद्ध के मैदान में जाता है। वहां पर जो लाखों लोगों की लाशें बिछी हुई पड़ी थी उनको देखता है। उनको देखकर अशोक का मन बिल्कुल दर्वित हो जाता है, यानी एकदम से जैसे कहते हैं ना विस्मित होना, डरना, तो डर जाता है। लाशों को नोच रहे हैं, गिद्ध नोच रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसे युद्ध के मैदान में अशोक अपनी तलवार निकालकर फेंक देता है और कहता है धर्म उसके दिन बाद की प्रतिज्ञा करता है कि आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी युद्ध नहीं करूंगा और मैं जन कल्याण के कार्य करूंगा। ऐसा इस युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है और बाद में उसने अपने जीवन में इतने धर्म कल्याण के कार्य किए कि जो शुरुआत में हमने चंड अशोक नाम दिया था वो उदारवादी सम्राट महान अशोक के नाम से जाना जाने लगा। तो ये थी कलिंग युद्ध के बारे में खास बातें। नंदराज यहां का शासक था, 150,000 मारे गए 261 ईसा पूर्व में राज्य के 8वें वर्ष में। कलिंग को जीत लिया, पर कलिंग को जीतने के बाद इसको अपने साम्राज्य का अंग तो बनाना ही था, और कलिंग की दो राजधानियां बनाई गई। नंबर एक तोसली। कलिंग की कौन सी राजधानी बनाई गई? तोसली। और दूसरी जोगढ़। कलिंग की दो राजधानियां बनाई गई, नंबर एक तोसली और दूसरी कौन सी है? जोगढ़। ठीक है, इसके बाद ये वर्णन जो कहां मिलता है? कलिंग अशोक के जो 13वां शिलालेख है। कौन सा? 13वां शिलालेख या 13वां अभिलेख, सॉरी 13वें अभिलेख में ये वर्णन मिलता है कि अशोक ने 269 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में कलिंग में युद्ध किया और उसमें विजय प्राप्त की। अब इसके बाद बात करते हैं अशोक का साम्राज्य कहां कहां तक फैला होता है। केवल एकमात्र विजय है अशोक की। पूरे अपने शासन काल में अशोक ने एकमात्र विजय प्राप्त की और उसके बाद वो अपना जीवन का उद्देश्य बदलकर धर्म के कार्य में लगाता है। अशोक के साम्राज्य की बात करें तो अशोक का साम्राज्य आज से बहुत जो कहते हैं पुराना वाला जो भारत था, यानी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार यानी हिंदू कुश पर्वत, पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान का इलाका जहां हिंदू कुश पर्वत श्रेणियां हैं, वहां तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। उत्तर पश्चिम में कहां तक था? हिंदू कुश में। और इधर उत्तर में देखा जाए तो नेपाल की तराई तक, नेपाल का तराई प्रदेश, यानी वो जहां पर नदियां मैदानी भाग में उतरती है, तो नेपाल के तराई प्रदेश तक इसका साम्राज्य विस्तृत था, नेपाल तराई तक। दक्षिण में बात करें तो यहां तक, कर्नाटक तक। कहां तक? कर्नाटक तक। ये अशोक के साम्राज्य में क्षेत्र थे, यानी उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश, उत्तर में नेपाल, पूर्व में ये पूरा बंगाल का हिस्सा, मगध, और दक्षिण में कर्नाटक तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। अब अशोक के साम्राज्य में जो चीजें नहीं शामिल थी उसको, एक जो साम्राज्य में नहीं थी, अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं थी, ध्यान रखना साम्राज्य में कौन कौन से प्रांत नहीं थे। तो कई बार प्रश्न इस बारे में आया है कि निम्न में से अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र नहीं था, तो जो नहीं था वो था नंबर एक चोल। मैप में देखते हैं, चोल। इसके अलावा दूसरा है केरलपुत्र। कौन सा है? केरलपुत्र।
इसके अलावा सत्य पुत्र जो दक्षिणी भारत में माना जाता है, सत्य पुत्र, और ताम्रपर्णी जिसको हम श्रीलंका भी कह सकते हैं, ये इसके साम्राज्य में, श्रीलंका भी पूर्व में भारत का ही एक अंग माना जाता था किंतु ये इसके साम्राज्य में नहीं था। तो ये किचोल, केरल, सत्यपुत, ताम्रपर्णी, इनको मैप में देखते हैं, देखें श्रीलंका या ताम्रपर्णियों कहीं। नंबर दो, ये वाला हिस्सा ये कहलाता था सत्यपुत्र, क्या कहलाता था, सत्यपुत्र। इसके जो नीचे वाला हिस्सा है जहां वर्तमान केरल है वो केरलपुत कहा जाता था, और पूर्व में पूर्वी तट पर चोल साम्राज्य फैला हुआ था। तो इस हिस्से को छोड़कर संपूर्ण भारत वर्तमान ये अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ध्यान रखना, यहां तक हिंदुकुश पर्वत, नेपाल की तराई, पूरा पूर्वी भारत, और सत्यपुत्र, केरलपुत, चोल और ताम्रपर्णी को छोड़ दें तो ये अशोक के साम्राज्य में आता था। अब इसको, इसके अलावा अशोक के साम्राज्य में पांच प्रांत थे। कितने प्रांत थे? पांच प्रांतों में अशोक ने अपने साम्राज्य को बांट रखा था। ठीक है, आगे हम चलते हैं अशोक के साम्राज्य के बारे में, पांचों प्रांतों के बारे में चर्चा करते हैं। अशोक के अभिलेख वगैरह जो है वो हम पढ़ेंगे इसके अशोक के कार्यों में या मौर्य काल की शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। फिलहाल जो हम देखते हैं वो है अशोक के प्रांत। अशोक के साम्राज्य में पांच प्रांत थे। कितने थे? पांच प्रांत। आसानी से एक शॉर्ट ट्रिक है, दो शब्द याद करने, पांचों प्रांत और उनकी राजधानी हमें याद हो जाएगी। शब्द है, अलग अलग ट्रिक होती है, यहां पर मैं ट्रिक काम ले रहा हूं, केवल शब्दों को, जो शब्द है उनका प्रथम अक्षर लेकर उनको जोड़कर एक एक शब्द बना लेते हैं। तो दो शब्द है यहां मैंने बनाए हैं, वो है उद्दक अपरा। क्या बनाया है? उद्दक अपरा। पांच शब्द है, एक दो तीन चार पांच, इनसे पांच प्रांत, और राजधानियों का दूसरा जो शब्द बनाया है वो है तसुतो उपा। ठीक, क्या नाम है? तसुतो उपा। याद करने के लिए आसानी रहेगी क्योंकि कई बार कंफ्यूजन आता है कि उत्तरापद की राजधानी कौन सी थी या दक्षिणापद की कौन सी राजधानी, तो ये क्रम है, दोनों का क्रम भी सही है। तो जो नंबर एक अशोक का प्रांत है उसे हम लेते हैं उत्तरापद। कौन सा है? अशोक का जो पहला है उत्तरापद। नंबर दो बात करें प्रांत की, दक्षिणापद, याद होने के लिए आसान है, उत्तरापद दक्षिणापद। नंबर तीन बात करें कै यानी कलिंग, तीन प्रांत हो गए। नंबर चार उज्जैनी, सॉरी उद्दक अपरा है यहां पर, उद्दक उपरानी, उद्दक अपरा, अवंती, अवंती प्रांत था और अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। पांचवा जो प्रांत है वो है प्राच्य देश या मध्य देश भी जिसको कहते थे, प्राच्य या मध्य। अब इनकी राजधानी भी आसानी से शब्द हम बना लेते हैं राजधानियों का। तो पहले की जो हम राजधानी है उत्तरापद की वो ध्यान रखना, उत्तरापद ये वाला उत्तरी क्षेत्र, और इसकी राजधानी मानी जाती है तक्षशिला। कौन सी राजधानी है? तक्षशिला, बहुत आसान। दूसरा है दक्षिणापद यानी ये दक्षिण का हिस्सा, और इसकी राजधानी है सुवर्णगिरी। क्या नाम है? सुवर्णगिरी। ठीक है, दो प्रांत हो गए और दो राजधानियां याद होगी। तीसरा है तो, कलिंग की राजधानी मैंने बताई तोसली और जोगड़, पर मुख्य जो राजधानी बनाई गई थी वो थी तोसली। तीन प्रांत। चौथा प्रांत है अवंती, और अवंती की राजधानी है उज्जैनी, उज्जैनी जो यहां पर थी। ठीक है, और प्राच्य या मध्य देश पा यानी पाटलिपुत्र। दो शब्द याद करने हैं हमें, उद्दक अपरा और तसुतो उपा। उत्तरापद, दक्षिणापद, कलिंग, अवंती, प्राच्य, और इधर राजधानी है तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोसली, उज्जैनी और पाटलिपुत्र। ये थे अशोक के साम्राज्य में कुछ जो पांच प्रांत शामिल थे उनके बारे में जानकारी। इसके बाद अशोक के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं, इसका अंतिम समय और किस तरह से अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया या धर्म के बारे में इसकी जानकारी लेते हैं। तो जैसे अशोक के धर्म के बारे में बात करें
हमारा जो अगला बिंदु अशोक में वो है अशोक का धर्म। ऐसा कहते हैं अशोक ने सबसे पहले जो शुरुआत में धर्म था वो था शैव धर्म। कौन से धर्म का उपासक था? शैव धर्म का उपासक था। किंतु बाद में इसने अपना धर्म परिवर्तन किया, धर्म बदल लिया। धर्म बदलने की रिवाज बहुत आसान थे, पहले इतना कठोरता नहीं था, आज तो बहुत आडंबर हो गए धर्म बदलने में, धर्म से समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, दूसरे धर्म वाले भी अपनाने से कतराते हैं। किंतु यहां पर बहुत आसानी था, शैव धर्म का उपासक था, किंतु तीन शासक, नंबर एक तीन व्यक्ति बौद्ध धर्म के थे, उपगुप्त नंबर एक, दूसरा मोगली पुत्र तिस, कौन है मोगली पुत्र तिस, दो आदमी हो गए मोगली पुत्र तिस और उपगुप्त, इसके अलावा निग्रोध, कौन निग्रोध, इन तीनों के प्रभाव में आकर, कुछ लोग उपगुप्त बताते हैं, कुछ निग्रोध बताते हैं, कुछ मोगली पुत्र तिस, इन तीनों में से, इन तीनों के प्रभाव में आकर अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म, और अपना जीवन इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगा दिया, और धर्म को या उसने जो नए सिद्धांत बनाए उसको उसने नाम दिया धम्म का नाम। ठीक है, इसका अंत के बारे में बात करते हैं, अशोक के अंत के बारे में जो अभिलेख है, मैं फिर बता रहा हूं, अभिलेख है अशोक की, जो अभिलेखों की उपलब्धियां हैं, जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो हम मौर्य काल की जो सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति है या अशोक के जो अभिलेख, एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि काफी विस्तृत है, उसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम उसको अलग से पढ़ेंगे। यहां पर अशोक के अंत की बात करें, अंत कहते हैं कि बहुत बुरा होता है, और किस तरह से होता है कि अशोक अपने इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रचार के प्रचार प्रसार के लिए सारा धन खत्म कर दिया, खुले हाथों से दान देने लगा, और इसके कारण इसका जो पुत्र था, क्या नाम था, संप्रति, वो किससे नाराज था, सम्राट अशोक से नाराज हो गया। अशोक ने अंतिम समय में जब धन देने के लिए ब्राह्मण जो बौद्ध भिक्षु उनको धन देने के लिए बात कही, तो यहां पर संप्रति आमात्य से मिलकर उन्हें मना कर देता है कि धन देने की जरूरत नहीं है, और ऐसा कहते हैं कि अंतिम समय तो ऐसा आ गया था कि सम्राट अशोक स्वयं बंदी बनकर रह गया, या यूं कहें, ऐसे कहते हैं कि आधा आंवला, आंवला होता है आधा आंवला रोज उसको खाने के लिए दिया जाता था, उसके बाद उसके अशोक की मृत्यु हो जाती है, ऐसा अभिलेखों और जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं उनमें ऐसा वर्णन मिलता है अशोक के बारे में। तो ये था अशोक के बारे में कुछ जानकारी, हमने शुरुआत में पढ़ा अशोक, अशोक का राज्यारोहण 273 से 237 37 वर्ष शासन करता है, देवानाम प्रियस की उपाधि है, इसके अलावा इसकी जो माता का नाम मिलता है वो शुभ्रांगी या धर्मा जिसका नाम है दक्षिणी भारत में, पत्नियों में इसकी पत्नी के नाम आते हैं वेदिश महादेवी जिससे दो पुत्र, दूसरी जो पत्नियां है वो है तिष्यरक्षिता और है कारुवा की। इसके अलावा इसका नाम कहां मिलता है, तो अशोक का जो नाम अशोक है वो मिलता है मास्की गुर्जरा उदयगुलम और निट्टोर अभिलेखों में। पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है, पुराणों में अशोक का नाम मिलता है अशोक वर्धन। इसके अलावा मास्की अभिलेख में प्रियदर्शी राजा सॉरी शाक्य बुद्ध भी इसको कहा गया है, मैंने शायद बताना छोड़ दिया कि शाक्य बुद्ध कहा गया है अशोक को मास्की अभिलेख में, क्या कहा गया है शाक्य बुद्ध किसमें, मास्की अभिलेख में, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है शाक्य बुद्ध कहां गया है। बाराबर की जो पहाड़ी गुफाएं इसने बनवाई थी आजीविक ब्राह्मणों के लिए वहां पर इसका नाम मिलता है प्रियदर्शी राजा। राज्यारोहण के बाद सुसीम की मृत्यु और अपने 99 भाइयों के वध के बाद 269 में ये राजा बनता है। 261 ईसा पूर्व में 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध होता है, कलिंग में नंदराज का शासन था और जिसका वर्णन अब 13वें अभिलेख से मिलता है। कलिंग की राजधानी तोसली और जोगढ़ हमने बताई, इसके बाद हमने पांच प्रांत जिनके एक सोट्रिक उद्दक अपरा और तसुतोपा दो शब्द बनाए, उनसे हमने राज्य का विभाजन किया। बौद्ध शैव धर्म को मानता था, बाद में बौद्ध धर्म का उपासक बन जाता है, किसके प्रभाव में, उपगुप्त मोगली पुत्र और निग्रोध के प्रभाव में आकर। अंतिम समय इसका जो पुत्र था संप्रति, अंत बुरा होता है और अंतिम समय में इसको आधा आंवला खाने के लिए देता है। इसके बाद जो मौर्य साम्राज्य में हम पढ़ते हैं इनके उत्तराधिकारी, उसके बारे में देखते हैं अशोक के जो उत्तराधिकारी हैं। अशोक का जो उत्तराधिकारी ऐसे कहते हैं वो था संप्रति, कौन था संप्रति, कठोर शासक था ये भी, और 237 ईसा पूर्व में, कब
237 ईसा पूर्व में शासक बनता है। किंतु बड़ी बात यह है, अशोक के बाद का जो है जो शासकों का समय है वो निश्चित नहीं है। ऐसा कहते हैं अशोक के बाद, अशोक के बाद जब सामोये साम्राज्य का अंत होगा तब तक लगभग 9 से 10 शासक शासन राज करते हैं। कहां पर? मगध में। तो अशोक के बाद संप्रति, संप्रति के बाद एक महत्वपूर्ण जो शासक बनता है इस वंश का, मैंने बताया देव दशरथ। क्या नाम है? दशरथ। जो दशरथ देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि? देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता है दशरथ। के अलावा अंतिम जो इस वंश का शासक है वो है बृहद्रथ। बृहद्रथ, और बृहद्रथ को प्रज्ञा दुर्बल कहा जाता है या मंद बुद्धि कहा जाता है। प्रज्ञा दुर्बल, इसका समय 184 ईसा पूर्व तक। 184 ईसा पूर्व में क्या होता है? इसी का एक आमात्य था जिसका नाम था ब्राह्मण था पुष्यमित्र सुंग। कौन था? पुष्यमित्र सुंग। कौन था वो? आमात्य था। किसका? बृहद्रथ का आमात्य था। तो ये आमात्य क्या करता है? बृहद्रथ के समय में क्या होता है? विदेशी आक्रमण, यूनानियों का आक्रमण होता है भारत पे वापस से, और उस आक्रमण से भारत की रक्षा करने के लिए इसके ब्राह्मण सुंग जो थे, ब्राह्मण वंश से संबंधित थे, इन्होंने अपने राजा बृहद्रथ को एक निरीक्षण के समय इसकी हत्या कर दी और साम्राज्य की सुंग वंश की स्थापना करी मगध में। तो इसके बाद जो हम मौर्य काल का जो राजनीतिक इतिहास ये था, और हम जो उपलब्धियां हैं वो देखेंगे, और उसके बाद हम मौर्योत्तर काल, इसमें सुंग है, सातवान है, और उसके बाद हम गुप्त वंश पे चलेंगे। तो आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।